हाल ही में एक्टर इंदर कुमार को अलेजेड रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लगभग डेढ़ महीने से इंदर पुलिस के हिरासत में थे, लेकिन अब उन्हें बेल मिल चुकी है और वो अब बेल पर बाहर आ गए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मीडिया में कई तरह की थियोरीज आई हैं, लेकिन पहली बार जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इंदर ने अपनी सफाई सबके सामने रखी है। जो कुछ मीडिया में आया था या जो लोगों को पता है कि बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, कैप्टिव रखा गया है और मारा गया है, पीटा गया है, चलाया गया है और बहुत कुछ मतलब बताया गया था आप लोग की तरफ से। एंड उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें अगर 5% भी अगर सच्चाई होती या उसकी वो बातों के कुछ प्रूफ होते तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 376 जो मेरे चार्जेस थे रेप के, उसमें बेल मुझे नहीं हो सकती थी। जब ये कोर्ट में जब गए, ये एप्लीकेशन मेरी गई बेल की, तो आप समझिए कि मेरी फर्स्ट हियरिंग में ही, पहली हियरिंग में एंड 20 मिनट्स हाफ एन आवर का डिस्कशन के अंदर मुझे बेल दी गई है। साथ ही इंदर ने यहाँ हमेशा बताया कैसे आखिर उस लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी और ये पूरा मामला क्या था। वो लड़की मेरे साथ कहीं नहीं रही है और वो लड़की को मैं हार्डली कुछ 10-15 दिनों के लिए जानता हूँ। एंड वो एक बहुत नॉर्मल एक सिचुएशन थी जहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि एक लड़की मदद मांग रही है, कि उसने कहा कि मुझे एक पिक्चर मिली है बड़ी और मुझे प्लीज़ आप ट्रेन कर दीजिए और मेरी थोड़ी बॉडी के बारे में मुझे बता दीजिए, डाइट वगैरह बता दीजिए। सो मैंने उन्हें बताया कि देखिए मैं अगर आप जिम नहीं आ सकती, बोलती है मुझ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जिम नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने कहा आप जिम नहीं आ सकती तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं, मतलब मेरी साली मुझसे खुद ट्रेनिंग लेती हैं और कुछ दोस्त लोग आते हैं, तो जहाँ बच्चे लोग आते हैं तो मैंने उनको बोला, वाइफ को बोला कि शी इज़ ऑल्सो आस्किंग एंड ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हार्डली कुछ दिन समझाना पड़ेगा एंड देन इट विल बी फाइन। साथ ही इंदर ने यह भी बताया कि इस लड़की की वजह से उनकी वाइफ भी नाराज हो गई थी, लेकिन मुश्किल की घड़ी में सिर्फ उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया व्हाट्सएप पे लेके और फ़ोन्स पे लेके, जहाँ मेरी वाइफ ने ब्लॉक कर दिए फ़ोन्स, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया एंड वो होता रहा, सिलसिला होता रहा। और इसी के बीच में मेरी वाइफ को ये लगा कि मेरा उनके साथ किसी तरह का कोई अफेयर चालू है, मतलब कि जो इंसान घर से बाहर नहीं जा रहा था, ये नहीं आ रहा था, कोई लड़की उसको ऐसे परेशान कर रही तो वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं इसके पीछे कोई बात है। तो यहाँ से हमारी एक प्रॉब्लम शुरू होती है जो मेरी हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉब्लम थी, जिसका फ़ायदा किसी ने कर जाके उठाया। और वो फ़ायदा इस तरीके से उठाया कि जब वाइफ मेरी बेटी को लेके चली गई और वो मेरी सास मेरी मदर इन लॉ फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं और मैं सेकंड फ्लोर पे एक ही बिल्डिंग में रहता हूँ, एंड जब वो चली गई तो मैं इस लड़की के पास गया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप ज़रा चल के एज अ दोस्त मेरी वाइफ को समझा दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं चलती हूँ और ये करती हूँ वो करती हूँ। इस तरीके से वो मेरे घर पे पहुंची दोबारा और उसमें लिखा गया कि लिविंग रिलेशन और ये और हैन तैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर लिविंग रिलेशन में होता या इस तरह का कोई अफेयर होता तो शायद दुनिया ये समझ सकती कि ये मेरे बगल में खड़ी नहीं होती। और आज मुझे जेल से मतलब निकालने वाली हैं तो सिर्फ मेरी वाइफ हैं। Well, इंदर इस मामले को पूरी तरह से फैब्रिकेटेड बता रहे हैं और इंदर की वाइफ का भी कहना है कि इस इंसिडेंट से उन्हें सीख मिली है। Well, एक लेसन तो मिला है एंड काफ़ी पेनफुल समय भी रहा है, क्योंकि इंदर के जाने के बाद काफ़ी कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट डे जब इनको लेके गए थे वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए, तो पूरे दिन हमें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है। Well, अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आता है। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई।